Hello, adventure lovers, and welcome to A Man Behind the Making. This is your host, Vidushi. अगर आप यहाँ नए हैं तो मोटरम एडवेंचर्स इज ए 25 प्लस ईयर ओल्ड कंपनी जो कि कारवांस, आवीज, मोटरहोम्स, इलेक्शन कैंपेन व्हीकल्स, क्लब ऑन व्हील्स जैसी व्हीकल्स को कस्टमाइज और रेंट करती है और इन्हीं कस्टमाइजेशंस को हम फीचर करते हैं ऑन आर डिफरेंट सीरीज जैसे कि रिवील एंड वॉक थ्रू द कन्वर्जन जहाँ पे आप और मैं उन कस्टमाइजेशंस को वॉक थ्रू करते हैं एंड लास्टली मैन बिहाइंड द मेकिंग जहाँ पे जो मैन बिहाइंड द मेकिंग है ऑफ ऑल द कन्वर्जन्स वो हमारे साथ एक्सप्लोर करते हैं उन कस्टमाइजेशंस को. सो ऑन दैट नोट लेट्स वेलकम द मैन बिहाइंड द मेकिंग ऑफ डोमिसाइल. Hello, Papa. Hello, beta ji. How are you? What's all good? All good. Yes. So, after one tooty tongue. Yes. You are here again. Almost after 3 months. Yes. कैसा लग रहा है फिर से कैमरे के पीछे? पीछे क्या आगे? आगे. All good. So, अब हम आए हैं with this customization new bomb from your end. Yeah. और इसी को रिलेट करते हुए जो इनके क्वेश्चंस है ऑफ दिस कन्वर्जन उसको हम इस वीडियो में इस एपिसोड में एक्सप्लोर करने वाले हैं विद यू. सो आर यू रेडी? यस आई एम रेडी. ओके आर प्रथा चीयर्स. चीयर्स. ऑल राइट सो आई हैव माय क्वेश्चंस राइट हियर. एंड अगेन अगर आप सोच रहे हैं ये हम शूट कहाँ कर रहे हैं तो हम बिकॉज ऑफ रियली वेरी बिजी स्केड्यूल HQ में शूट कर रहे हैं ये एपिसोड्स. हम लोग आई थिंक पिछले व्हाट 4-5 days से मैं फैक्ट्री में हूँ एंड सिंस पास्ट 15-20 days योर मॉम योर एल्डर सिस्टर एवरीबॉडी इज इन द HQ. अभी चल रहा है थोड़ा सीजन टाइम तो हम लोग कुछ और मसाले की तैयारी कर रहे हैं आने वाले जो आप देखने वाले हैं वेरी सून. वेरी सून. ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. सो अगेन डोमिसाइल ए फ्लैट बेड कारवान एंड दिस इज वेरी डिफरेंट देन वैगाबॉन. दिस इज वेरी डिफरेंट देन हमारा बोलेरो वाला कस्टमाइजेशन. राइट. सो हम बिगिन कर रहे हैं अपने क्वेश्चन के साथ. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डोमिसाइल दिस फ्लैट बेड कन्वर्जन ये इसका जो विजन है ये आपको कैसे आया या व्हाई डिड वी क्रिएट दिस? वन ऑफ माय गुड फ्रेंड फ्रॉम बैंगलोर हिज नेम इज इनुप्रीत चड्डा. ही इज बेसिकली ओन्स एन कंपनी बाय द नेम आजाद फोर व्हील ड्राइव. सो ही अप्रोच मी वन ऑफ हिज क्लाइंट ही वांटेड टू गेट इन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल जो डिज़ाइन हम लोग करते हैं उससे कुछ अलग हट के काम कराना था उसमें. और क्योंकि ये कस्टमाइजेशन इटसेल्फ इज एन एक्सट्रीम कुछ अलग ही हट के हमने किया है. यू कैन से इट्स अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ फॉर्मर तो कुछ होने चाहिए था डिफरेंट. और एज यू नो वी आर स्पेशलाइज इन डूइंग आवर ओन डेवलपमेंट एंड रिसर्च सो दैट वाज द रीज़न वी टुक दिस एज एन न्यू चैलेंज एंड this is how it's now finalized and ready for delivery. So again guys this is not something jo hum rent kar rahe hain. This is not something jo humne build karke rakha hai. Ye ek particular customization hai jo client specific, requirement ke liye bana hai. Next question is this is again a curiosity question. Ye logo ka question every third question that I get is this ki ek overlanding vehicle और एक कैरावान एक वैनिटी वैन और कैरावान से ही रिलेटेड जैसे कैरावान मोटरहोम्स आवीज इसमें क्या फ़र्क होता है? तो सबसे पहला है कि ओवरलैंडिंग और कैरावान व्हीकल लाइक अ व्हीकल विच इज़ कॉल्ड एज अ कैरावान और एक कंसेप्ट जिसे हम ओवरलैंडिंग कहते हैं ये डिफरेंट कैसे हैं? ओवरलैंडिंग में ना कई तरीके के व्हीकल यूज में आते हैं. समटाइम पीपल यूज बाइसिकल एंड समटाइम पीपल यूज मल्टी एक्सल ट्रक ऑल्सो. So depending on your usage, your requirement, you do the overlanding. The base vehicle जो main overlanding के लिए use किया जाता है the SUV और MUV को जो है main prefer किया जाता है because उसमें capability होती है, space होती है. At the same time what you have is you have an opportunity to explore the unexplored areas
because of you have an advantage of a four-wheel drive. So one is this, but उसके अंदर में कई चीज़ों की कमी है, जैसे अगर if you are traveling with the family, so you have a limitation in that, you don't have an proper what we call a functional washroom. और इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बात करें कि वॉशरूम्स की या ऑफ बीट लोकेशंस पे वो नहीं है, बस कैरावन पार्क्स ही नहीं है हमारे यहाँ. तो कैरावन के अंदर में एक आपका चलता फिरता घर है, होम अवे होम ऑन व्हील्स, वेयर यू हैव ऑल दी बेसिक फैसिलिटीज ऑफ अ होम. और उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने ये कॉन्सेप्ट को तैयार किया है जिसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं. सो ए मिक्सचर जहाँ पे 4x4 भी आपको मिल रहा है और कैरवानिंग का जो कंसेप्ट है, होल फुली फंक्शनल वाला जो कंसेप्ट है वो भी आपको मिल रहा है. इन अदर जनरल क्वेश्चन इज, वैनिटी वैन और कैरवान सिमिलर है या नहीं है? बोथ आर डिफरेंट. वैनिटीज आर बेसिकली यूज फॉर अ शूटिंग पर्पस. वैनिटी को आप यू कैन डिफाइन इट एज एन कि वो कैरवान है, बिकॉज वैनिटी को एक पर्टिकुलर एरिया में ले जाके, लोकेशन में ले जाके स्टैटिक हो जाती है. And you get the hookup from the outsourced power supply, जिससे कि आपके अंदर के इक्विपमेंट्स हैं और अपने सारी चीज़ें चलती हैं. But commonly इंडिया में यहाँ पर जो है ना वैनिटी के नाम से, बिकॉज एज सो मेनी टाइम्स वी गेट एन इंक्वायरी अबाउट द पीपल आस्क अबाउट कि मेरे को वैनिटी बनवाना है और आई वॉन्ट टू रेंट अ वैनिटी, बिकॉज वो वैनिटी टर्म्स जो है वो यहाँ पर काफ़ी कॉमन है, विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर you know in terms of caravan and a vanity van. Vanity van is purely for shooting purpose, not for traveling. Again the term itself says vanity, so vanity ka purpose hi sirf vanity ke liye hai, not for caravaning or motor homing. Like it's a motor home jo ki aap le ja sakte ho kahin pe bhi. And again another question in the same tangent is ki motor home caravan RV, ये कैसे डिफरेंट है? This again हमने ये टच किया था क्वेश्चन पहले भी बात करी हमने न्यूक में. Yes, Man Behind the Making का जो फर्स्ट एपिसोड था, but again just to clarify it to the people जो अभी नए आए हैं. Caravan, RV, motorhome. RV is basically a term which is been used in US and UK. US and Canada. Basically the larger vehicles have been addressed as an what we call RV. It is as simple that you are living in a house, or if you say I am living in a penthouse. So that terms is basically an high-end vehicle, luxury, super large, yes, with multiple axle and multiple rooms and all. So that is basically an RV. And caravan and motorhome is almost, you know, same hi hai. But in all, jo ek वर्ल्ड में जो एक जो वर्ड मेन यूज किया जाता है, दैट्स अ टर्म मोटर होम. दैट्स अ रीजन आवर कंपनीज नेम इज मोटर होम एडवेंचर्स, बिकॉज़ इट्स द एडवेंचर्स ऑफ मोटर होम. सो नाउ यू हैव इट, कैरवान्स, मोटर होम्स, आरवीज में डिफरेंस. एंड प्लीज डोंट कॉल अ कैरवान अ वैनिटी वैन, और प्लीज डोंट रिलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैंडिंग विद कैरवानिंग. इट इज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट. नेक्स्ट अप इन रिगार्ड्स विद डोमिसाइल, इसके रिगार्ड्स में क्वेश्चन है कि हमने इसी बेस व्हीकल को क्यों चूज किया है, इसुजू डी मैक्स. देखो पहले भी हमने काम करा है, पीछे हमने वैगन बनाया, उससे पहले हमने बोलेरो बनाया, एंड और भी हैं कुछ जो नहीं. नो स्नीक पीक दिस टाइम. हर एपिसोड में यू गिव स्नीक पीक्स. नो थैंक यू. सो एक अपॉर्चुनिटी मिली, मोर ओवर क्या था, ये कॉन्सेप्ट मेरे पास भी इनफैक्ट इसुजू ही है. आई हैव इसुजू वी क्रॉस फोर व्हील ड्राइव, एंड ऑफ कोर्स डी मैक्स में भी कोई कमी नहीं है. दिस मॉडल इज अ बेसिक डी मैक्स, तो डी मैक्स में भी कमी नहीं है, बिकॉज इट्स अगेन अ सेम इसुजू का ही वेरियंट है, ट्राइड एंड टेस्टेड व्हीकल है, और स्टॉक मॉडल था, बट उसके अंदर में हमने काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं अकॉर्डिंग टू दी क्लाइंट रिक्वायरमेंट. उसमें काफ़ी मेजर चेंजेस किए हैं हमने. तो बेस व्हीकल हमने इसुजू किस पर्पज से लिया है? फर्स्ट इज बिकॉज पिछले 3 साल से मैं खुद चला रहा हूँ गाड़ी, तो आई नो अबाउट दी फैक्ट्स अबाउट कि ये बेस्ट व्हीकल है. और क्योंकि ट्रक सेगमेंट के अंदर में ऑफकोर्स यू हैव अदर वेरियंट्स, आपके टाटा का है योद्धा, देन बोलेरो इज देयर,
but client का prefer था कि that he wanted to go with this particular model. Isuzu. और मैंने भी client को recommend यही करा कि that he should go with the same particular vehicle. और tried and tested है इंडिया में पिछले 4 साल से जो है इसका परफॉर्मेंस में कुछ ऐसा तो हमने देखा नहीं कि नहीं ख़राब हो कि बिकॉज मैं भी खुद यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी ऑफ रोड किया हम लोगों ने तो नेवर फेस्ड एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम विद दिस व्हीकल बट दिस इज़ अ लो पावर व्हीकल इन कंपैरिजन टू द व्हाट वी हैव हाईलैंडर या इनका जो हमारा जो वी क्रॉस मॉडल है उसके मुकाबले ये भी ठीक है अच्छा मॉडल है पेलोड इसका कैपेसिटी ज़्यादा है सो गाड़ी अच्छा है नेक्स्ट अप वी हैव द क्वेश्चन दैट इज़ कि डोमिसाइल जो कि हमारा फ्लैट बेड कन्वर्जन है हार्ड टॉप फ्लैट बेड कन्वर्जन जो आप देख रहे हैं ये कैसे डिफरेंट है इंडियाज फर्स्ट फुली फंक्शनल कैरावान Isuzu पे जो बेस्ड है उससे और जो हमने बुलेरो पे कन्वर्जन बनाया था उससे तो हाउ इज़ दिस कंसेप्ट डिफरेंट फ्रॉम दोस टू जो हमने बुलेरो पे बनाया था अगेन उसके अंदर में एक लिमिटेशन थे बिकॉज ऑफ द बेड एरिया दैट व्हाट वी हैव उसमें एक लिमिटेड आपका वॉशरूम था दैट वॉज बेसिकली नॉट एन अ फंक्शनल फुली फंक्शनल वॉशरूम इट वॉज एन अ पोर्टेबल टॉयलेट एंड ऑल और जो हमने उसमें बनाया था वैगाबॉन में बनाया था वैगाबॉन में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट दिया था बट विद एन अ पॉपअप वो हार्ड टॉप था वो सॉफ्ट टॉप में दिया है हमने और बुलेरो में वो डिटैचेबल था उसमें भी डिटैचेबल स्लाइड इन कैंपर है बट इसमें क्लाइंट का कुछ रिक्वायरमेंट ऐसा था विच वी हैव ऑलमोस्ट यू कैन से वी हैव ऑलमोस्ट कॉपीड इट इन अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ योर अर्थ रोमर वो गाड़ी ऑलमोस्ट इट कम्स टू इन क्लोज टू $1.5 million जो कि उसका एक्चुअल कॉस्ट US में है लैंडिंग कॉस्ट आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू इन इंडिया बट वी हैव ट्राइड कि हम उनके लिए एक यही जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में और इंडियन रोड कंडीशंस के अगेन उनको ध्यान में रखते हुए क्रिएट कर सके तो आई थिंक कुछ अलग ही हटके दिया और इसका अंदर का जो इंटीरियर दिया है इस बार कुछ हमने अलग चेंज किया पाइन वुड वी हैव यूज्ड पाइन वुड एंड लुक द इंटीरियर लुक इज वेरी गुड आई कैन कंफर्म दैट बिकॉज अभी क्योंकि शूट चल रहा है तो आफ्टर शूटिंग इन दिस एसेट आई वॉज स्लीपिंग इन दिस कैंपर एंड इवन टू नाइट आई थिंक मैं इसी में सोने वाली हूँ बिकॉज इट्स सो कोजी इट्स सो कम्फर्टेबल एंड जो एस्थेटिक्स है वो एक बिल्कुल वार्म वुड लॉज वाला जो वाइब है वो देते हैं तो आई थिंक दिस इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक यस बट जो व्हीकल है द एक्सटीरियर एंड द बेस यू सो द क्वालिटी राइड एज वेल व्हाइल ड्राइविंग द व्हीकल इट वाज कंफर्ट आई विल आस्क आवर कैमरा पर्सन ओके दृष्टि टू इंसर्ट ए क्लिप हम लोग जब वापस आ रहे थे हमारे शूट के लोकेशन से तो लैपटॉप्स कटलरीज एवरीथिंग वॉज देयर एंड आई प्लेस ए 360 कैमरा देयर एज वेल And that camera, even though road bumpy tha, ek inch bhi move nahi hua. The reason behind is that the suspension what we are using, and that is an in-house suspension. We are not, importing it or marketing any other stuff. Hamara apna khud ka tried and tested hai, and it's made in India. So we are proud of using the Indian stuff. So, cheeze achhi nikal ke aati hai when. फिरिंग्स कैन डू वाई वी कांट मेरा एक सीधा सा फंडा है गोरा कर सकता है हम क्यों नहीं कर सकते डेफिनेटली एंड वील कम बैक टू दिस सस्पेंशन वाला थिंग ऑल्सो सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन रिगार्ड्स विद चैलेंजेस जो हमें डोमिसाइल को बनाने में आए तो क्या चैलेंजेस आप कहोगे कि हमने फेस किए उनसे चैलेंजेस देखो हर कॉन्सेप्ट जो होता है एक अपने साथ एक अपना एक फेस लेके आता है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए अच्छा इस वाले उसके अंदर क्या था कि हमारे पास पहले से इनपुट थी एंड एज यू नो कि हर बार हम कुछ भी करने से पहले उसका एक रेंडरिंग वगैरह हम करते हैं इसमें हमें क्लाइंट की तरफ से रेंडरिंग हमें मिली थी तो दैट वाज एन अ बिग एडवांटेज ऑफ सेविंग इन टर्म्स ऑफ टाइम बिकॉज रेंडरिंग को तैयार करने और उसको करने में प्रोसेस में करीबन 1 से 2 महीने लग जाते हैं हमें लाइक क्लाइंट का विजन पता था कि उनको कट टू कट दिस टू दिस इज रिक्वायर्ड स्मॉल चेंजेस हुए थे बट नॉट एज सच कि लास्ट मोमेंट के अंदर में कोई मेजर चेंजेस हो रहे हैं एंड कुल मिला के ज़्यादा हमें टाइम जो है समझने में नहीं लगा था क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है हाँ एक इशू था बिकॉज
ऑन द ड्राइवर साइड मैक्सिमम वेट जो था वो जेनसेट का है. देन वी हैव द वॉशिंग मशीन, देन यू हैव द माइक्रोवेव एंड देन योर डिश वॉशर एंड योर थ्री वे फ्रिज. जस्ट अ सेकेंड, अगर आप लोग एक्साइटेड हैं ये सोच के कि इस कन्वर्जन के अंदर डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन एंड ऑल द एमिनिटीज कैसे हैं, तो जाके पहले वॉक थ्रू देखिएगा और उसके बाद यहाँ आइएगा. प्लीज कंटिन्यू. तो वो जो वेट था उस वेट को काउंटर करने के लिए अपोजिट साइड में हमने क्या करा, हमने वॉशरूम क्रिएट किया. देन अदर साइड वी हैव दी बैटरीज और जो पावर पैक दिया है इसमें हमने टू स्टेबलाइज करने के लिए गाड़ी को पावर पैक दिया है, उसका कंट्रोल जो हमने राइट साइड में दिया है और लेफ्ट साइड में दिया है. एंड देन उसके अलावा हमारी बैटरीज हो गई, सेप्टिक टैंक हो गया, वॉशरूम हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया. तो उसको काउंटर करने के लिए हमने दूसरी साइड में भी वेट को काउंटर किया है. और सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास क्या है कि जो हम एयर सस्पेंशन जो अपना इन हाउस हम लगाते हैं वो सबसे बड़ा मेन मेजर प्ले करता है आपके वेट को मैनेज करने के लिए. एक जगह फंसे थे और उसमें आपकी बड़ी दीदी रिचा ने हेल्प आउट किया था. एक्चुअली हुआ क्या था कि हमें क्लाइंट ने लास्ट मोमेंट में ये बोला कि मेरे को जो बेड का फॉर्म है, आई नीड टू फॉर्म दिस बेड, जो हमारा एक्चुअल साइज था दैट वाज 36 inches एंड ही वांटेड टू हैव ऑलमोस्ट 5 feet, बट हमें 5 feet तो नहीं बट समवॉट नियर अबाउट 58 inches का हमें स्पेस मिल गया है. तो एक वो एक्सटेंडेड बेड था, स्लाइड आउट बेड कॉन्सेप्ट था. देन शी केम अप विद द आइडिया व्हाई नॉट टू मेक द वुडन प्लैंक्स के साथ में पुल आउट बेड बना के एंड दैट फ्लिप डाउन करके उसको हम जो है दो लोगों के सोने का कर. सो दैट वाज हर यूरेका एक्चुअली. नाइस, वो दैट इज माय फीचर, फेवरेट फीचर ऑफ दिस कन्वर्जन, क्योंकि वो वुड वाला जो है, एक तो इट्स लाइट वेट, दैट इज वन, एंड सेकेंडली इट्स वेरी इजी, लाइक खींचो बंद करो. नहीं, उसका सबसे बड़ा मेन जो चैलेंज था ना कि जो ग्रुपिंग करनी थी उसकी, जो हमें लेवल करना था. होता क्या है कि अगर आप उसको वो लेवल ना करें और उसके अंदर में लॉकिंग ना दें तो ऑब्वियस है कि वो पॉप आउट होकर बाहर निकल जाएगा. तो दैट वाज अगेन अ चैलेंज, उसको पूरा सिस्टमैटिक बनाने से शुड मूव. और ये एक वुड नहीं है, दे वर नियर अबाउट 26 pieces जॉइंट टुगेदर, 26 into 26 52. तो उन चीज पूरे सिस्टम को चलाने के लिए आपको उसको सिंक्रोनाइज करना था. तो उसके करने के लिए एक थोड़ा चैलेंज था. यस, उसने आइडिया दिया, उसको इम्प्लीमेंट करा, हाँ एक दो बार लगा, बट फाइनली वी केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट. और अभी एक दो गाड़ियों में और लेके आ रहे हैं. नो स्नीक पीक्स हियर प्लीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो गाड़ी है इसको अगर एक नॉर्मल पर्सन ड्राइव करते हैं, जो मे बी एक छोटी कार चलाते हैं, तो उनको ईज ऑफ ड्राइविंग रहेगा या नहीं रहेगा, और लाइक कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इफ यू आर ड्राइविंग अ नॉर्मल कार, ऑफ कोर्स उसके अपने एक चैलेंजेस होते हैं, बट बिकॉज वंस व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद द फैमिली एंड यू आर ड्राइविंग दिस काइंड ऑफ अ व्हीकल, दीज आर नॉट लाइट वेट व्हीकल्स, स्लाइटली हैवी होते हैं बिकॉज यू आर कैरिंग अ डेड वेट ऑफ अ वेट वेट बेसिकली ऑफ अ वाटर डीजल प्लस यूर ऑल इक्विपमेंट्स, अंदर की आपके अप्लाइंसेस हैं, एंड ऑफकोर्स एक चलता फिरता घर आप लेके चल रहे हो, तो ऑफकोर्स उसके अपने एक चैलेंजेस हैं. यू कैन ड्राइव एट एन 130-140 ईज ऑफ ड्राइविंग बिकॉज यू वॉन्ट टू सी इन अ कंट्री साइड, आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है. पहले भी मैंने बोला है और आप फिर बता रहा हूँ मैं कि ऑन एन एवरेज अगर आपने कैंपिंग करनी है, यहाँ इंडिया में करो या कहीं भी करो, बाहर भी हम लोग करे हैं, तो 200 से 250 किलोमीटर ऑन एन एवरेज आप लेके चलो कि मेरे को एक दिन में कवर करना है. सो दैट यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग, लेट्स से अराउंड 10 by 10, इफ यू लीव अ वन पर्टिकुलर लोकेशन यू शुड बी टू ए नेक्स्ट प्लेस मैक्सिमम बाय 4 o'clock, सो दैट यू पिच योर टेंट, पिच योर कैंपिंग साइट, डिसाइड किया और उसके बाद आप ईज ऑफ अपना पूरा दिन उसमें बिता सको. और डैश वाली जो आइटनरी करने वाले होते हैं कि 3 दिन में मेरे को डेजर्ट पूरा कंप्लीट करना है, then for them it is not viable. और ये actually हम लोग जो हमारा लद्दाख का भी टूर होता है, द एडवेंचर्स ऑफ लद्दाख, इज बेसिकली एक ग्रुप ट्रैवल जहाँ पे मल्टीपल कैरवान, फूड ट्रक, सबको लेके हम जाते हैं साथ में.
उसमें भी हमारा यही गोल रहता है दैट बाय 4 PM हम उस लोकेशन पे पहुंच जाए. टू reasons. नंबर वन इज सो दैट जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं वो उनको रेस्ट मिल जाए टाइमली मैनर में. एंड सेकेंड इज ताकि वहाँ पहुँचने के बाद चीज़ें पिच करने के बाद वहाँ तो ऐसा लगता है 6-7 बजे की दिन खत्म हो जाता है. actually. तो हमारा मोटिव यही रहता है विद कैरवानिंग की आइटनरीज ऐसी हो जहाँ पे हम भाग नहीं रहे हो लोकेशन ए टू बी. तो मोस्टली हमारे पास कई बार ऐसी इंक्वायरीज भी तो आती है ना कि भाई साहब हमें 5 दिन में जो है लद्दाख करना है और 5वें दिन हमें बैक दिया जाना. नॉट पॉसिबल इन अ कैरवान. पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल. आप घूमते ही रह जाएंगे एंड विद दैट अगेन इन इवन दैट इज नॉट पॉसिबल. यू एक्युमुलेटाइज ही नहीं हो पाएंगे. नहीं हो पाएंगे. राइट. यस. सो अगेन क्वेश्चन था कि ईज ऑफ ड्राइविंग इसमें और उसमें कार में रहेगा जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस होगा. सो आई थिंक इट्स मैनूवरिंग विद दिस काइंड ऑफ अ व्हीकल यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस अबाउट हाउ यू आर ड्राइविंग बिकॉज your driving will definitely affect on the vehicle also. Life of vehicle? Life not exactly of the life of the vehicle. It depends on how you're maneuvering the vehicle. Because you can't move side by side and all. इस गाड़ी को चलाना है तो आपको maximum speed 60 और 80 के बीच में रखें तो it's good. क्या होगा सेम लाइसेंस आपका इसुज़ू ही है जो आप एक नॉर्मल लाइसेंस पे चला सकते हैं. तो यू कैन ड्राइव इट ऑन बेसिकली दिस कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ 3500 kg. तो आपको अपना लाइसेंस इंडोर्स कराने की जरूरत नहीं होगी. ओके. सो नेक्स्ट अप वी हैव द क्वेश्चन कि इस कैरवान की लिमिट्स क्या हैं जो किसी को अगर कोई लेके जाते हैं अपने लिए बनाते हैं उनको क्या लिमिट्स ध्यान में रखनी होंगी और इसे किस एक्सट्रीम तक लेके जा सकते हैं. विदुषी ऑप्शंस कई हैं. इवन यू कैन गो विद द 4-व्हील ड्राइव ऑल्सो. और 4-व्हील में ऑप्शन ये है कि आपके पास कुछ एरियाज और एक्सप्लोर हो जाते हैं वेर a normal a rear wheel drive vehicle limits you. 4-wheel mein advantage is you can go onto the offbeat locations as well. So as such is gaadi mein kahin se mere ko ye nahi lagta ki koi kami hai in comparison to other pickup trucks. Har gaadi ek apne challenge ke sath hoti hai. Of course ab kyunki ye jitni gaadiyan aa rahi hain BS6 model ke andar aa rahi hain to BS6 ko aapko उस तरीके से नहीं चलाना चाहिए जो जो पहले की गाड़ियाँ चल जाती थी बिकॉज दीज आर ऑल टोटली सेंसर बेस्ड व्हीकल. सो यू हैव टू बी लिटिल कॉन्शियस ऑन दैट. बाकी BS4 में भी हैं गाड़ियाँ और हमने पुरानी गाड़ी को भी बनाया है. तो चैलेंज इस गाड़ी में इतने नहीं है. ऑफकोर्स आपको थोड़ा प्रिकॉशन गाड़ी के साथ लेना पड़ेगा. यू कैन ड्राइव दिस व्हीकल एज एन कार. थोड़ा प्रिकॉशन तो लेके चलना पड़ेगा. आई थिंक चैलेंजेस इसीलिए भी कम हैं बिकॉज जो एक्सटीरियर कस्टमाइजेशन हमने किया है ऑफ दीज अपग्रेडेड टायर्स द अलॉयज. अलॉय आई थिंक अलॉय हमने जो है हिंडलको के यूज़ करे एंड दिस कैन टेक अ पेलोड ऑफ 3500 kg. सो फॉर अ पर्सन जो सिर्फ दूर से देख रहे हैं उन्हें लगेगा अरे वाओ बहुत अच्छे अलॉयज लगाए हैं. हैवी ड्यूटी अलॉयज हैं इसमें. लोगों को देखने में लगेगा अच्छे दिखते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग वी डोंट बिलीव इन बाइंग इन अ चाइनीज अलॉयज. That's the reason we prefer to go with the Hindalco. Hindalco is basically Jindal Group's one of their company, जो कि OE supply करते हैं जो maximum number of vehicles है India की उसमें उनका supply जाता है. I don't know how many people know about this fact. Hindalco का ही material होता है and most of the companies they go with the Hindalco only. जितने भी आपके alloys वगैरह बनते हैं Hindalco के बनते हैं maximum India में. बिकॉज स्टडी है उसकी लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है. हाँ दिखने में आपको वो नहीं लगेंगे फैंसी जितने चाइनीज लगते हैं बट यस नो डाउट स्टडीनेस. एंड अगेन इंडिया में बना है तो इंडिया का रोड वो पहचानते हैं जानते Actually, और आपको नहीं पता है टेस्टिंग भी अपने लेवल पे होती है उस चीज़ की. यस और आई वॉज अबाउट टू से आपको नहीं पता लग रहा है तो बहुत सर्दी है. वी आर गोइंग टू वाइंड दिस एपिसोड वेरी सून.
नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन टचिंग ऑन द सेम टैंजेंट जो आप बोल रहे हो कि एलॉयज एंड ऑल, एक और चीज़ जो हमने इस बार न्यू करी है जो हम अभी अभी ये बता सकते हैं कि हमने अपने अपकमिंग कन्वर्जन्स में भी करी है, दैट इज़ जो एयर बलून का जो प्रेशर है उसको हम थ्रू एक कंप्रेसर कंट्रोल कर सकते हैं। सी अभी क्या है मार्केट में जो कंप्रेशर मिलते हैं दोज आर बेसिकली ए ड्राई डायफ्राम बेस्ड कंप्रेशर एंड सम ऑफ द कंपनीज दे आर selling your what we call the piston. वो piston इतना छोटा है कि उसको आप उसका life span इतना नहीं है. Whereas the kind of compressor what we are using, these are purely oil-based compressor, 12 volt DC, 10 bar pressure, 120 psi. You mean it? जब आप इसको लेंगे in comparison to the what is available in the market, उसका 30 times स्ट्रॉन्ग और लाइफ उसका ज़्यादा है. दैट्स रीज़न वी रिकमेंड. और कितना ही गाड़ियों में हम लगा चुके हैं और लगाने वाले हैं, वो कन्वर्जन साहब इस कन्वर्जन के बाद देखेंगे, तो अब उस कन्वर्जन की हम बात नहीं करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन रिगार्ड्स विथ दिस व्हीकल कि ये गाड़ी को अगर हम ऑफ ग्रिड लेके जाते हैं कहीं पर भी, तो कितने दिन तक कोई पर्सन जो है इसमें सर्वाइव कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो उनके पास है उसको फिलअप करने के बाद. देखो हर गाड़ी की एक अपनी लिमिटेशन होती है. आज मैं कहूँ मैं किसी एक फोर व्हील ड्राइव या बड़ी गाड़ी के अंदर मैं आपको 2000 लीटर का पानी दे दूँ, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ द वाटर वाइजली प्रॉब्ली यू मे लैंड अप इन 5 days, 6 days डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑक्युपेंसी यू हैव. तो कीपिंग इन व्यू ऑफ कोर्स हमारे जो वॉशरूम्स हैं दी वॉशरूम्स आर बेस्ड ऑन व्हाट अ जर्मन बेस्ड टेक्नोलॉजी. ईच फ्लश यूजेस 30 ml ऑफ वाटर, नॉट 300 ml और 30 लीटर. 300 बोला था, दैट्स 30 ml. 30 ml. तो एक तो पानी का बचत बहुत ज़रूरी है इसमें, एंड सेकेंडली क्या है कि सॉइल करूजन जो हम करते हैं, हम जो इसमें जो केमिकल यूज़ करते हैं दैट इज़ बेसिकली यूज़र फ्रेंडली सॉइल यूज़र फ्रेंडली जो केमिकल होता है वो यूज़ करते हैं, बायोकेमिकल यूज़ करते हैं बेसिकली, तो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता है वो किसी भी वे में. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आपका जो वेस्ट मटेरियल है उसको बहुत वाटरी फॉर्म में कर देता है, तो अगर आप डिस्कार्ड करते हैं यू नीड टू डिस्कार्ड इट वेल, येस, बट अगर आप नहीं भी करते हैं उसको उस तरीके से तो भी वो जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म नहीं करेगा कि आप वहाँ वेस्ट करके या लिटर करके चले गए हैं, ऐसा नहीं होगा. देखो इस गाड़ी में हमने जो अरेंजमेंट किया है बेसिकली जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उनका ये है एम कि हम लोगों ने ऑफ ग्रिड जाना है एंड वी आर गोइंग टू स्टे फॉर वीक और 10 days और मे बी फॉर 15 days, डिपेंड अगेन the availability of a water and on how frequent they use the washroom and all. So इस गाड़ी को अगर properly use किया जाए because they are self you know what we call in terms of self sustainable जो पूरा complete है concept, उसके अंदर में इनके पास सारी चीज़ों का facility है. But at the same time, if you start using in a washroom apart from a washroom, washing machine and other equipments, जो appliances को अगर आप use करेंगे तो obviously consumption जब बढ़ेगा आपका तो you can't last for a long. But I think अगर हम कहीं पहाड़ों में भी जाते हैं पानी हमें मिल जाता है. पानी विदुषी मिलता है, no doubt. But once when the client goes off grid का मतलब हो गया ना उनको बिजली से मतलब ना पानी से मतलब है, उनके पास जो है अपने रिसोर्सेस उसके ऊपर उनको स्टैंड करना है. तो अगर हम सिर्फ बिजली पानी की बात करें, पानी की बात ऑलरेडी जेनसेट है, सोलर पैनल्स हैं टू चार्ज दी बैटरीज, देन अगेन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी आई मीन इफ यू वांट टू कन्वर्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग इन अ लेड एसिड बैटरीज वन कैन यूज दी लेड दिस लिथियम आयन फॉस्फोरस बैटरीज एंड कैन मैनेज दी सिस्टम with the help of AC, DC and DC-DC converters and the chargers. तो वो एक आपको एडवांटेज अब मिलने लगा है, पहले नहीं था गाड़ियों में.
एंड अगेन एसी टू डीसी, अगर आप यहाँ नए हैं आपको नहीं पता कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, देन डीसी सप्लाई इज समथिंग जो कि हम बाहर गाड़ी में हम डीसी का ही यूज करते हैं। इनफैक्ट अभी पीछे जो हमने टीवी 9 की गाड़ी थी उसमें मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो थे वो दोस वर रनिंग ऑन दी 230 वोल्ट एसी सप्लाई, तो उसको हमने टोटली कन्वर्ट किया है उसमें 24 वोल्ट डीसी में करा था, बिकॉज दैट व्हीकल वाज ऑन 24 वोल्ट डीसी, सो वी कन्वर्टेड दैट एंटायर सिस्टम फ्रॉम 230 टू 24 वोल्ट डीसी। तो एसी जो अल्टीमेट चीज था दैट इज व्हीकल को हमें, उस व्हीकल को हमें स्टेशनरी में नहीं यूज करना था, वो व्हीकल वॉज मेंट कि उसको रनिंग में ही यूज़ किया जाए, उसको स्लोली जब रन कर रहा हो तभी यूज़ किया जाए, बट उसमें जो कनेक्शंस थे वो एसी सप्लाई जो कनेक्शन था वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ आउटसोर्स या जेनसेट चाहिए होगा। नहीं, उन्होंने करा क्या था, इवन दी ऑपरेटिंग अ वॉशरूम ऑल्सो, छोटे से छोटा एक छोटा काम है वो, उसके लिए भी उनको पहले जेनसेट ऑन करना पड़ता था, जेनसेट से बिजली कन्वर्ट होके दैट वॉज बीन सप्लाई टू दी वॉशरूम, then the system was working. तो अगर आप imagine करिए जैसे हमारा जो washroom है उसमें आप battery से चलता है, आप on करिए lights और आपका जो पूरा setup है it's working. Consumption हमारे सबसे बड़ा जो advantage है, हमारा consumption उसके अंदर बहुत कम है, और washroom के अंदर में जो आपका WC का system है that also runs on 12 volt DC. But हम लोगों ने क्या करा है, हमने उसको जो है pneumatic पे करा हुआ है, तो शट ऑफ और ओपनिंग वॉल जो है दैट रन्स ऑन न्यूमैटिक, बिकॉज यू हैव द कैपेसिटी ऑफ इन आई मीन इन हाउस कंप्रेशर इन दिस व्हीकल, तो दैट गिव्स यू अ प्रिविलेज कि एक आपके पास ओडोर फ्री वॉशरूम भी मिलता है, पानी की कंजम्पशन कम है, और व्हाट एल्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स इनसाइड। अगेन न्यूमैटिक एक्टिवेटिंग जो आप टर्म एक थ्रो कर रहे हो उसके बारे में न्यू ऑडियंस को बता दो कि व्हाट डज दैट स्टैंड फॉर। Pneumatic activation valve is basically been used worldwide in buses, in trains, in yachts, I mean you name it. तो उसका consumption जो पानी का है that is very less, because जो हमारे घर में porcelain और जो ceramic के जो हमारे WC लगे हुए होते हैं उसमें S bend का shape होता है, and to flush that each flush takes near about 10 to 15 liters of water. Whereas हमारा जो शट ऑफ वॉल है इट कंज्यूम्स लेस देन 30 ml ऑफ फ्लश डिपेंडिंग ऑन हाउ फ्रीक्वेंट यू आर यूजिंग इट, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट शट ऑफ वॉल दैट रन्स ऑन द न्यूमैटिक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस कैरावान में, डोमिसाइल में स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर्स में पहली टाइम हमने जो है पहली बार जो क्लाइंट का इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट था इट वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन कि दे वांटेड टू हैव द वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, देन योर माइक्रोवेव एंड इट्स भैया कौन है अच्छा तो भैया रात को काम कर रहे हैं जो उनको लग रहा है कि ये सेट की ये नहीं है okay. तो वो यहाँ आग सेकने आए थे। We'll begin again. इस गाड़ी में स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं, डोमिसाइल में स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं? डे वन से ही एक्चुअली क्लाइंट का क्लियर पिक्चर था दैट ही वांटेड टू हैव द वॉशिंग मशीन, फुल्ली फंक्शनल वॉशिंग मशीन विच ड्राइज द क्लोथ 100%, और सेकेंड था आपका डिश वॉशर, माइक्रोवेव, और एक स्पेशल फीचर जो उन्होंने दिए वो मांगा था दैट वॉज दी थ्री वे फ्रिज। थ्री वे फ्रिज शायद हमने अभी तक किसी गाड़ी में नहीं दिया, दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट वी हैव यूज दिस। आई नो एक्चुअली अभी से नहीं, पिछले 20 साल पहले से मैं जानता हूँ अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज दिस फ्रिज आर नॉट बेस्ड ऑन द कंप्रेशर, इट रन्स ऑन द अमोनियो गैस। तो उस गैस को रन करने के तीन तरीके हैं, वन इज योर 220 वोल्ट पावर सप्लाई, सेकेंड इज 12 एंड 24 वोल्ट डीसी, थर्ड इज दी एलपीजी और प्रोपेन। तो सिस्टम इतना बढ़िया है, एफिशिएंट है, लो मेंटेनेंस, और कंजम्पशन जो है वो जीरो है डिपेंडिंग ऑन योर
रिक्वायरमेंट, जहाँ पर आपके पास 230 वोल्ट की सप्लाई है, पावर हुकअप मिलता है, आप उससे चला सकते हैं। वाइल व्हेन यू आर रनिंग द व्हीकल यू रन दैट इन 12 or 24 volt DC supply. And once when the vehicle is stationary and you have a source for LPG or a propane, you can use it that way also. तो तीन तरीके आपके पास, तीन सोर्स हैं उस फ्रिज को चलाने के लिए। It's wonderful. Comes in various sizes. और इसमें जो हमने शायद यूज़ किया, we have used around 100 liters of 100 liters. So special features you're saying is the three-way fridge, again washing machine, dishwasher. इसके अलावा जो हमने पहली बार जो है hatch, हमने hatch use किए हैं और जिनमें हमने lift लगाई है उनमें hatch use किया, हमने अपनी villa में भी use किया है और पीछे अभी जो हमने बनाई थी कौन सी गाड़ी, ब्लू कलर की जो टेम्पो बनाई थी उसमें भी hatch हमने lift वाले concept में दिया है। इसमें client का requirement था कि दो हैच उसको एयर वेंट के लिए चाहिए थे सलून एरिया में और थर्ड वन ही वांटेड इन द वॉशरूम। तो वॉशरूम में हमने हैच के साथ में फैन दिया cool उसको और भी यहाँ कॉन्सेप्ट अच्छा यूज करना है, हैच यूज करो, आपको फैन ऑन करना है वो करो, आपके हैच के अंदर ही है वो चीज। तो जब आप उसे लिफ्ट कर दोगे तो अल्टीमेटली आपको पूरा स्काई व्यू मिल रहा है। इट कैन कम विद द लाइटिंग आल्सो, अगर आपको चाहिए तो उसमें लाइट का भी प्रोविजन किया जा सकता है। बट कुल मिला के कॉन्सेप्ट अच्छा, जो मतलब जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उन्होंने पूरा रिसर्च करा है, पिछले 2 साल से उन्होंने चीज़ों को पूरा स्टडी करा है, आर्सोमर का क्या है फीचर्स, उस सारे फीचर्स को एक छोटे मिनिएचर फॉर्म इसुजु D-Max के अंदर में उन्होंने फिट करवाया है। आई थिंक इस कॉन्सेप्ट में यस मोटोम एडवेंचर्स क्रिएटेड दिस थिंग, कस्टमाइज किया है हमने, लेकिन जो उनका विजन था वो इतना क्लियर था स्टार्टिंग से, दैट इज़ द रीज़न कि हम इस चीज़ को इतने ब्यूटिफुली लेके आ पाए हैं। एंड एवरी प्लेस अकॉर्डिंग टू जो हमारे क्लाइंट है उनका जो फ्लोर प्लान है, एवरी प्लेस हैज़ अ डेडिकेटेड ईच एंड एवरी बिट ऑफ अ स्पेस, उसका यूटिलाइजेशन, उसका डेडिकेटेड एरिया क्या होना चाहिए, कितने एरिया को हमने इवन अ इंच हमने वेस्ट नहीं करा उसमें। So next question is your favorite feature of this conversion. Currently this is our favorite drink because of thandi. Cold coffee. Was hot but thandi ho gayi hai. Cool feature iska. Acha, isme humne hydraulic jacks diye, is bare mein aapne zikr kiya? Yes, yes. Aapne walkthrough abhi tak nahi dekha hai but aap dekhenge aage. जैक्स का हमने वो करा है, उसमें दिया है आपने। चैलेंज था इसमें बट एक चीज हमने जो नई इसमें की है। आपका फेवरेट फीचर क्या है, लाइक फेवरेट थ्री वे फ्रिज के अलावा? आई नो ऊपर वाला बेड, यस ऊपर वाला बेड, मी टू, दैट इज अगेन मैंने बिगनिंग में भी बोला अल्टीमेट स्पेस, वेरी कोजी, वेरी कंफर्टेबल। और जो उसका कन्वर्जन, आई एम ऑलमोस्ट 5'10" and the inner space is almost 75 inches, ease of, I mean two people can easily sleep in. Yes, and again this caravan, agar aapko nahi dikh raha hai, to this is a two people camper, do logo ke baithne ki jagah hai, actually teen ke liye hai jo inhone dedicated jo sitting area banaya hai, sofa cum bed, so it's not sofa basically, that's an workstation, coffee nook or workstation, hai workstation ko you convert that into a bed for a single person, so all together 3 people can sleep in. But seating wise dekhe to jaise isme aage only 2 people can seat, agar us hisab se consider kare to only 2 people ka luggage aur travel karna ye sab karke, but agar aap chaho to 2 log peeche aur baith sakte hain na, sitting area sofa wale, yes. और कभी कभी कुछ फैमिलीज वाले होते हैं, वो कहते हैं हम नीचे भी सो जाएंगे ऊपर भी बैठ जाएंगे, बट नो अगेन कमिंग बैक टू दिस, आई डिड रहते हुए इसमें कंटिन्यूसली मॉर्निंग सेशन, मेरा योगा सेशन इसमें होता है एंड एम्पल स्पेस है, आई कैन डू माय हेड स्टैंड, सूर्य नमस्कार, एवरीथिंग इसमें जगह है। तो उसके अंदर उसका वीडियो बनाया नहीं बनाया? यस यस, अभी आई विल आस्क प्रतीक टू इंसर्ट द क्लिप इन हियर और आप लोग देख सकते हैं कि स्पेस काफी ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि छोटी गाड़ी है तो एलीवे बहुत कम है, काफी स्पेस है भी। क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं है इसको, पूरा स्पेस को प्रॉपर्ली मैनेज किया है, कॉरिडोर का स्पेस है, देन द वॉशरूम इज छोटा है बट डिसेंट साइज है। वॉशरूम का तो रहेगा ही बिकॉज़ इतनी सी स्पेस में, अगर अगेन हम लोग वॉशिंग मशीन नहीं देते, डिश वॉशर नहीं देते,
तो वो स्क्वीज होके वहाँ स्टोरेज जाता है, वॉश जो हमारा वॉशरूम है वो बड़ा हो जाता है उस टाइम पे. बट स्टिल इट्स इन अ डीसेंट साइज एंड होने को तो आपका 10x10 का भी वॉशरूम जो है छोटा रहता है, बट हैविंग दिस स्मॉलर वॉशरूम इज अ लग्जरी. दिस अलोन लाइक कहीं पे भी पहुंचो, कहीं पे भी स्टेशन करो. और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, हर चीज़ का एक डेडिकेटेड लोकेशन है. आपको वॉशिंग मशीन का जो एरिया है लॉन्ड्री वाला, दैट इज़ डेडिकेटेड. स्टोरेज इसमें बहुत ही ज़्यादा है. इन आर रेंटल व्हीकल्स वी गेट फीडबैक बिकॉज इंडियन लोग, हम लोग लेके चलते हैं पूरा अपना लगेज एंड ऑल, तो हमको फीडबैक मिलता है कि आपका लगेज स्पेस थोड़ा सा कम है हमारे लिए. और इसमें IFL की बहुत ज़्यादा लगेज स्पेस है, बिकॉज जो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये इस वजह से आया है, जो हमने अंदर उसका इंटीरियर सूदिंग जो हमने वाइट कलर जो बेस दिया है, उसकी वजह से गाड़ी जो है ऐसा नहीं है कि वो डार्क उसमें गई है फॉर्म में. इट इज़ गिविंग एन यू नो मोर ऑफ एन ओपन स्पेस. ऑन वॉट आई कुड रिलेट विद वॉज कि एक वुड्स का मतलब जंगल के अंदर एक लॉज है जिसके अंदर हम जा रहे हैं. बस डिफरेंस ये है कि ये लॉज हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं और अपना सीनरी चेंज कर सकते हैं. देखो उन्होंने एक्चुअली हुआ क्या था कि अर्लियर व्हेन वी प्लान्ड दिस कैरावन, तो उन्होंने जैक लेवलर्स का जो है कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं सोचा था कि दैट विल गो विद दी जैक लेवलर्स. बट आफ्टर सीइंग दी व्हीकल एंड उनको दूसरी गाड़ियों में भी हमने दिखाया है कि हमने जैक लेवलर्स का एडवांटेज क्या, लेटर ऑन ही डिसाइडेड कि हमें जैक लेवलर्स के साथ जाना चाहिए. सो दैट वॉज द लास्ट मिनट कॉल कि मेरे को जैक लेवलर्स भी करना. एंड आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन कंसीडरिंग. यस, उसमें एक आइटम और था इनका कि पहले उन्होंने जो मेन ड्राइवर केबिन था उस तक एसी था, उस एसी को फिर हमने पीछे जो सैलून एरिया है उसमें भी हमने प्रोविजन दिया है सैलून के, दो विद दे हैव स्टैटिक एसी कैसेड एसी, उस पर हमने 1.1 टन लगाया है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉन्टेड टू हैव दिस लिबर्टी ऑफ कि गाड़ी के अंदर से एसी भी अगर हमारा चले तो वहाँ पे भी काम करे. सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ कि एक कॉमन क्वेश्चन है ये, लोग पूछते हैं कि जब आप गाड़ी प्रोवाइड करते हो क्या वो सेकेंड हैंड होनी चाहिए, क्या वो न्यू होनी चाहिए, क्या व्हीकल आप प्रोवाइड करते हो, क्या गाड़ी के साथ हमें सब सेटअप मिलता है, तो उस पर थोड़ा सा इनपुट आप दीजिए प्लीज़. देखो विदुषी, हर गाड़ी का एक अपना पूरा एक सेटअप जो आता है वो क्लाइंट के बेस पर होता है. इट्स नॉट दैट कि हमारा सबसे बड़ा, अगर आप मार्केट में अभी कहीं पे भी देखेंगे द काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस व्हाट वी आर डूइंग, वो हर एक प्रोजेक्ट को एक चैलेंज के हिसाब से हम एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं. हर बार आपको कुछ नया मिलता है देखने को. इट्स नॉट दैट एवरी टाइम वी आर रिपीटिंग समथिंग, एवरी टाइम वी कम विद अ न्यू चैलेंजेस, न्यू आइडियाज़ और एक न्यू इनोवेटिव जो चीज़ें हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें. तो हर क्लाइंट का एक अपना फीचर रिक्वायर्ड होता है. अभी हमारे पास कई और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हर क्लाइंट का एक अपना अपना इनपुट है कि हम मेरे को ये इस तरीके से चाहिए. अभी एक गाड़ी हम बनाए कि डिलीवर कर दी, आप 3-4 बार यहाँ पे स्नीक पीक दे चुके हो. दूसरी गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं. ओके. तो वो अभी रिवील करेंगे भी नहीं और होगा भी नहीं अभी करीबन 1-2 साल तक, तो अभी हम कुछ कह भी नहीं सकते उसके बारे में. बट आपने सुना है उस कंसेप्ट के बारे में, इंस्टा फुटेज में यहाँ पर डलवाने वाली हूँ उस पर्टिकुलर कैरावान का, और देख सकते हैं आप द नेम इज अनचेंज्ड, ये हम आपको बता सकते हैं. हाँ, बाकी अभी उसके बारे में हम डिस्क्लोज कुछ नहीं कर सकते. यस, बिकॉज ऑफ द MOU हमारे कुछ अपने, नॉट इवन एन MOU बिकॉज वहाँ देखेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा वो कंसेप्ट. सो यस, बेस व्हीकल हमारी तरफ से प्रोवाइड होगी नहीं होगी? बेस देखो एक्चुअली होता क्या है कि एक कंफ्यूजन है यहाँ. कई बार हमारे साथ क्या हुआ है कि क्लाइंट ने गाड़ी खरीद ली और गाड़ी लाके वो कहता है कि मेरे को 4 लोगों का सोने का अरेंजमेंट चाहिए या 8 लोगों का सोने का अरेंजमेंट. लेट्स से एन एग्जांपल ऑफ अ विंगर. विंगर में अगर आप कहो कि मेरे को 8 लोगों का सोने का अरेंजमेंट कर दो, वॉशरूम दे दो, किचन दे दो, तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है ना. तो उस चीज़ को अगर हम लेके चलें तो मैं हर बार हर क्लाइंट से यही कहता हूँ कि फर्स्ट यू लॉक योर फ्लोर प्लान कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सारे सामान को सारी चीज़ों को जॉट डाउन करें आप कि आपकी जो रिक्वायरमेंट अभी नहीं आने वाले फ्यूचर में जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उन सब चीज़ों को लेते हुए
आप उसको फाइनल करें, उसके बेसिस पे हम आपको रिकमेंड करेंगे नॉट वन नॉट टू जस्ट सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स, नॉट जस्ट ओनली इन वन टेम्पो ट्रैवलर इज देयर और अ विंगर इज देयर और एनी पर्टिकुलर चेसी इज देयर. डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट वी विल गिव यू एन ऑप्शन कि ये चीज इसके अंदर फिट हो सकती है. नाउ इट इज अप टू यू, यू वॉन्ट टू मेक एन अ पेंट हाउस और यू वॉन्ट टू मेक एन अ टू बेडरूम हाउस. That's correct. और अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इन regards with building और आप confused है कि यार हमें तो पता ही नहीं है कि caravan में क्या क्या होना चाहिए बट हमें चाहिए अपने लिए, तो worry not, आप हमारे website पे जाएंगे. When you inquire to us, there's a complete form जिसमें एक एक select कर सकते हैं आप option की, this is what I'm looking for, this is what I'm not looking for in my caravan, और आपको वो सारी चीज़ों के basis पे एक इनपुट मिलेगा फ्रॉम आवर साइड स्टेटिंग कि बस ये आपके रिक्वायरमेंट के लिए सूटेबल है और ये फर्दर बेस व्हीकल्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं. एक अभी पीछे एक हुआ था एपिसोड जिसमें क्लाइंट ने 32 सीटर जो है बस पुरानी उन्होंने खरीद ली थी विदाउट इवन और कंसर्न. उन्होंने कहा मैंने गाड़ी खरीद ली है और मैं इस गाड़ी को जो है कन्वर्ट कराना चाहता हूँ कैरावन के अंदर में, तो उसको सीटों को रिड्यूस कराना बिकॉज दैट वॉज बेसिकली अ कमर्शियल व्हीकल नॉट अ प्राइवेट व्हीकल, तो उसको इंडोर्स कराना कमर्शियल से प्राइवेट, सम स्टेट्स डू परमिट सम डोंट. तो वो चीज को देखते हुए आपको सबसे पहले अपना फ्लोर प्लान, फ्लोर प्लान से पहले है आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको जॉट डाउन कीजिए, एक पूरा कंप्लीट फाइल प्रोग्राम बनाए और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें कि हमारे को बेस क्या लेना है. बेस के बेसिस पे फिर हम आपको दो तीन ऑप्शन बता सकते हैं. सो इट्स नॉट लाइक कि आपको ही बेस व्हीकल प्रोवाइड करना है. अगर आप एक्स वाई जेड लोकेशन पे हैं और आपको लगता है कि आप यहाँ पे आके या अपना बेस व्हीकल वहाँ से अननेसेसरली नहीं भिजवाना चाहते, वी कैन डू द जॉब फॉर यू, बट सिलेक्शन जो है बेस व्हीकल का वो आपको करना होगा. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एक न्यू बेस व्हीकल को ही ऑप्ट करें, सेकंड हैंड व्हीकल्स इन गुड कंडीशन डू वंडर्स. जो अभी पीछे कही है नहीं हमने, अभी चार पांच गाड़ियां हमने, मैं नाम नहीं बोल सकता अभी, गाड़ियों का हमने बना के दिया है, क्लाइंट्स को हमने बना के दी है, तो हमने ही रिकमेंड करा क्लाइंट को कि व्हाई अननेसेसरी स्पेंड ऑन बाइंग अ न्यू व्हीकल व्हेन यू कैन गेट द सेम फीचर्स एंड सेम एवरीथिंग ऑन द सेकंड हैंड व्हीकल्स. दो साल पुरानी गाड़ी के अंदर में कुछ नहीं आता, गुड कंडीशन. तो अभी जो दिलवाई थी एक गाड़ी हमने किसी क्लाइंट को 6000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी दिलाई है 2020, दैट वाज मार्च मॉडल. सो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि जो कैरावानिंग का फ्यूचर है इंडिया में, आपको क्या लगता है कि कैसा रहेगा? कैरावानिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. रीजन नाउ लॉट मेनी पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग कैरावानिंग और इन द नेम ऑफ कैरावानिंग अभी ओवरलैंडिंग कर रहे हैं लोग, फैमिलीज़ के साथ में छोटी छोटी गाड़ियों में लोग वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इसका लोगों के ऊपर जो है बहुत असर पड़ा है, जो चीज़ पहले कभी नहीं होती थी. आई स्टिल रिमेंबर वे बैक इन आई वॉज आई थिंक हार्डली 12 साल का था, हम लोगों के पास हमारी मासी के पास में मारुति वैन थी, तो हम लोग 8-10 जने उस गाड़ी में बैठना, 8 to 10 people और सिलेंडर रखना, रॉ मटेरियल अपना खाने का रखना. वैष्णो देवी जा रहे हैं बट वैष्णो देवी से होते हुए पत्नीटॉप और श्रीनगर गुलमर्ग सोनमर्ग वगैरह, उसमें उसी गाड़ी में हमें सब कुछ खाना बनाना, तो एक दैट वॉज एन अ जिप्सी काइंड ऑफ अ थिंग कि एक हम लोग वो टूर भी करते थे उसमें इंजॉय करते थे. उस टाइम तक मेरे को इस कैरावानिंग के बारे में नहीं पता था बिकॉज बट ट्रैवल किया हुआ था, तो आई वॉज अवेयर अबाउट कि हाँ इस टाइप का कॉन्सेप्ट हम कर सकते हैं. तो उस टाइम में इतनी लिबर्टी नहीं थी चीज़ों में, आज के टाइम में आपके पास लिबर्टी है, गाड़ियाँ हैं और ऑब्वियस है मैंने कितनी लोगों को देखा है कि वो छोटी गाड़ियों में भी जो है किचन सेटअप किया हुआ है, बट ऑफकोर्स इट्स नॉट सेफ, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक अ प्रिकॉशनरी मेजर. ये नहीं कि आप एक ढाबे के पास एक आप गाड़ी को तो रोक सकते हैं, बट इफ़ यू आर स्टेइंग एट एन क्लोज टू अ ट्रकिंग एरिया जहाँ पे ट्रक बेड एरिया होता है जहाँ पे गाड़ी करें, तो यू हैव टू टेक अ सेंसिबल डिसीजन इफ यू आर ट्रैवलिंग विद द फैमिली. एंड आल्सो बेसिक ट्रैवलिंग सेंसेस, जैसे अभी रिसेंटली जब हमने ट्रैवल किया था टुवर्ड्स कोविड, तो आपने बताया था क्योंकि फॉग है तो डोंट स्टेशन द कैरावान इतने रोड के इतने प्रॉक्सिमिटी. ऑब्वियस है, यू नेवर नो
दी रोड कंडीशन, गाड़ी जो दूसरा चला के लेके आ रहा है, तो अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स के हिसाब से अगर गाड़ी को चलाया जाए तो देन देर इज़ नो हार्म. ओवरलैंडिंग कर रहे हैं लोग बाग, एंड दैट्स अ गुड थिंग. नाउ सो मेनी स्टेट्स हैव कम अप, कर्नाटका गवर्नमेंट हैज कम अप, यूपी आल्सो, यूपी इज, यस यूपी फास्ट सबसे करा है. उत्तराखंड वाज द फर्स्ट वन, लेकिन उत्तराखंड केम अप विद द, उत्तराखंड का अभी भी जो है कंफर्म नहीं हुआ, स्टिल इट्स इन प्रोसेस, बट दे वर द वन टू लॉन्च इट. केरला, महाराष्ट्र और आपका कर्नाटका आ चुका है, तीन स्टेट आ चुकी हैं, यूपी भी आ गया है. नाउ दिस उत्तराखंड गवर्नमेंट इज ऑन द वे, मतलब अभी अभी जल्दी आने वाला है उनका भी नॉर्म्स. तो दे आर ओपनिंग अप द कार्बन पार्क. डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे कार्बनिंग का जो कल्चर है विदुषी, अभी भी जो हम लोग कर रहे हैं ना, द वर्ड इज टर्म बूनडॉकिंग. बूनडॉकिंग, यस. सो बूनडॉकिंग इज वाइल्ड कैंपिंग. You don't have a proper infrastructure out here in India. So people do a wild camping, एक isolated या कोई एक particular dedicated location में गए, वहाँ पर आपने क्या कुएँ से पानी ले लिया या आपका वाटर पम्प चल रहा है उससे पानी भर लिया. At times हमने स्रोत से पानी भरा. हाँ भरा. देखो तो आपके पास क्या है कि आपके पास सिस्टम है. वी हैव दी फिलिंग पम्प्स जो 12 वोल्ट डीसी में चलते हैं. आई डोंट थिंक सो मेनी ऑफ पीपल नो अबाउट कि सबमर्सिबल पंप भी जो आते हैं. मतलब सिंपली अल्टीमेटली व्हाट ही मींस इज कि आपका पानी चल रहा है बहुत धीरे फ्लो में, लेकिन वहाँ पानी है. आपने उस पंप को डाला इन दी वाटर और आपका जो वाटर है वो प्रेशर से भरता जाएगा. माइंड इट दैट gives you almost depends on the flow and the running of the water. Wo you can vary it from 1000 se start hota hai and it can go to 3000 liters per hour. Okay. Uske andar mein aap pani ka flow usme gaadi mein aap apne bharwa sakte hain. Nice. 12 volt DC mein. और कई ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं, जो एक अगर आप अपना DIY अगर अपना करना चाहें तो आप लोग वक्त करते हैं. देखा है मैंने, अच्छा है. बट इट्स अ गुड स्टार्टर. हाँ, स्टार्टर फुल्ली फंक्शनल चाहिए. कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ घर पे बनाना है यू डू इट योरसेल्फ, बट जब आपको एक वार्डरोब भी अगर प्रोफेशनली चाहिए तो आप यू गो टू द कारपेंटर. सी बजट कारवेंस जो लोग बाग बना रहे हैं, ठीक है, देखो अपनी नेसेसिटी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिनिमम बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट को रखते हुए अगर बना रहे हैं देन देर इज़ नो हार्म. नॉट हेयर, इवन अब्रॉड पीपल ट्राई एंड सेव मनी, दे डू इट बाय देयर ओन. वो अपना क्रिएट करते हैं, ठीक है, उस लेवल का नहीं आता है, बट आप फंक्शनैलिटी के अगर और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप बना रहे हैं तो ठीक है. बट एक प्रोफेशनल से काम कराना और एक अपने आप से काम कराने में ज़मीन आसमान का फर्क आता है. सो गाइस, द भीष्म पितामह ऑफ कैरावैनिंग एज यू गाइस से इन द कमेंट्स, गुड कॉम्प्लीमेंट दो, वो कह रहे हैं कि कैरावैनिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है एंड एवरी वन शुड ट्राई इट. On that note, अगर आपको rent करना है, definitely you can visit our website www.motorhome.co.in. आपको caravanning के बारे में पता है, आप अपनी खुद की itinerary बनाना चाहते हैं, you can do that. और अगर आपको थोड़ा सा dicey लगता है कि यार कैसे करेंगे, तो curated itineraries है कुछ हमारी जिसमें आप opt-in कर सकते हैं और आपको सब कुछ curated मिलेगा, but locations still isolated होंगी. ऐसा नहीं है कि आपको ले जाके hotel के parking में रख दे रहे हैं. इट्स गोइंग टू बी माउंटेन व्यू, पूरा जंगल, माउंटेन हार्डकोर जंगल एरिया जो है वहीं पे हम मोस्टली स्टेशन करते हैं, वाइल्ड कीपिंग दी सेफ्टी इन माइंड एज वेल. सी देयर आर सो मेनी लोकेशंस एक्चुअली, टू बी वेरी प्रिसाइज ऑन दैट, कैरावेनिंग का कॉन्सेप्ट अभी पीछे ये लॉकडाउन के बाद ही लोगों को मालूम हुआ है. वी हैव डन इट सिंस 1996 before you were born and your elder sister Richa, she had traveled a lot. Wo godi mein thi, me, your mom and मैंने बहुत स्टोरी सुनी दादी है, also उस टाइम के एडवेंचर की. उस टाइम हम लोगों के पास बेटा ये सब गैजेट नहीं थे ना. यस,
हमारे पास पोलराइड का होता था या फिर वो खचक खचक अपना 36 वाला हम लोगों का कैमरा होता था उससे फोटो है। आज भी हम लोगों के पास उसकी बैक की फोटोज हैं, याद करते हैं, देखते हैं, चीज़ें हैं। स्टोरीज आर ग्रेट एंड अगेन हमारे लिए तो एवरी वीकेंड व्हेन वी स्टार्टेड दिस वेंचर, व्हेन यू एंड मॉम स्टार्टेड दिस वेंचर, तब हमारे लिए एवरी वीकेंड यूज्ड टू बी लाइक कि हाँ अब क्योंकि पास में दिल्ली से पास में इट्स कॉर्बेट एंड लाइक रानीखेत बेंसर ये सभी रहते हैं, तो हम लोग हर वीकेंड पे दे यूज्ड टू बी अ ट्रिप और हम लोग जाते थे वहाँ पे, तो इतना पता लग गया था हमें एट द एज ऑफ व्हाट लाइक व्हेन वी वर इन फोर्थ ग्रेड थर्ड ग्रेड एक्चुअली कि हम लोगों को रूट याद था, ये पता था कि अब लेफ्ट मुड़ेंगे तो दिस इज गोइंग टू कम और वहाँ पे जाके कारवानिंग करना। गर्जिया पुल कॉर्बेट में एक लोकेशन है, अभी आप लोगों के लिए बैंड है वो लोकेशन बिकॉज ऑफ लिटरिंग जो लोगों ने करा, बट वहाँ पे हम पानी के अंदर गाड़ी को खड़ा करते थे एंड लाइक उतने पहले से हम करते आ रहे हैं। सो लास्ट क्वेश्चन जिसके लिए लोग वेट कर रहे हैं, दैट इज कि इस कस्टमाइजेशन का, फ्लैट बेड पिकअप कस्टमाइजेशन का बेसिक कॉस्ट या प्राइसिंग क्या होगा? विदुषी, जो हम बेसिक प्राइस लेके चले गए हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 16 लाख। व्हाई 16? प्रॉब्ली माइट से कि इन कंपैरिजन टू दी अदर मेकर्स जो आप रेट ले रहे हैं वो काफ़ी हाई है। हाई होगा रीज़न बींग द काइंड ऑफ क्वालिटी व्हाट वी आर यूजिंग, द मटेरियल व्हाट वी आर यूजिंग, दैट कम्स विद द प्राइस। ऑन दिस आई वुड लाइक टू टच जस्ट वन थिंग, लोग बोलते तो है मार्केट में कि वी आर गिविंग यू एक्स थिंग। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बट ये गाड़ी 16 में नहीं है एंड आई कैन नॉट डिस्क्लोज द प्राइस ऑफ दिस व्हीकल व्हिच आई थिंक 16 में इफ यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ गोल्ड एवरीबॉडी इज गोइंग टू बाय। बट अगेन द थिंग इज इसमें जो एल्यूमिनियम हमने मटेरियल यूज किया, ऑटो ग्रेड एल्यूमिनियम यूज किया है, उसके भी, प्लीज एक्सक्यूज द डॉग्स, उसके भी क्वालिटीज आती है डिफरेंट। सो वी यूज द हाइएस्ट ऑफ हाई क्वालिटी वाइल कीपिंग जो उसका वेट है दैट इन माइंड, वाइल कीपिंग ईच एंड एवरी थिंग इन माइंड, तो डिफरेंस आएगा क्वालिटी में अगर आप किसी सस्ती चीज को ऑप्ट करते हो और दूसरा डिफरेंट रहता है। वी आर बेसिकली यूजिंग द जिंदल, जिंदल का ही हम सारा एल्युमिनियम लेते हैं, वी डोंट यूज द चीप क्वालिटी। मार्केट में क्या अवेलेबल मिलता है, वी डोंट गो फॉर दैट। अंडरग्रेड होते हैं, उनका टेम्पर का नहीं पता होता, उसकी क्वालिटी का नहीं पता होता, दैट्स द रीजन वी स्टिक टू जिंदल। इट कॉस्ट मोर ऑफ कोर्स, इफ यू वांट अ क्वालिटी यू हैव टू गो, यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी डेफिनेटली। सो दैट्स अ रीज़न हाई एंड और एक जो फिनिश प्रोडक्ट बन के आता है टाइम लेता है, बट उसके साथ में जो उसके फीचर्स और जो चीज़ें बन के आती हैं वो अपने आप में एक अजूबा रहता है। एज यू कैन सी डोमिसाइल और इट्स लाइक अगेन ए जेम, वन ऑफ अ काइंड, इसके जैसा और कोई नहीं है क्योंकि ये पर्टिकुलर एसेट सिर्फ उस क्लाइंट के, जो क्लाइंट ने बोला था उनके अकॉर्डिंग बनाया गया है। सो दैट इज़ वाई the difference of costing between this and the base customization is of a lot and that is because of the quality overall. So and features hain, of course features isme itne hain ki one has to think twice before going on to the final phase of thing. Definitely. So that is going to conclude today's session of man behind the making or we hope you guys like this episode. और हम ठंडी में ठिठर रहे हैं तो वी वॉन्ट टू गो एंड रन बैक टू आर क्रिब, मी टू दिस कैंपर, इनसाइड दिस कैंपर। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस एपिसोड राइट हियर एंड वी होप यू लाइक दैट। इफ यू डिड प्लीज़ गिव दिस एपिसोड ए थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल फॉर वी विल बी कमिंग विथ मेनी मोर, जिनके स्नीक पीक आप दे चुके हैं ऑलरेडी, आने वाले हैं अभी इन फ्यूचर एंड दैट इज़ ऑल। आर यू रेडी फॉर दिस साइन ऑफ? Right. Motorhome Adventures signing off.